हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है, इसे रोज़ ही लंच में खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कुकर में डाला है 2 चम्मच घी, उसमें डाल दिया सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा और कुछ खड़े गर्म मसाले का तड़का। और यहाँ मैंने चावल को 10 मिनट पहले धोकर भिगो कर रख दिया था। और घी और तड़का जब ये पक गया, तब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल लिया है और उसके लिए 3 कटोरी पानी डाला था। तो तड़का पकते ही पहले हम पानी उसमें डाल देंगे। पानी पहले से नाप कर रखा हुआ था और स्वाद के अनुसार या आधा चम्मच लगभग नमक डाल दिया, और जो चावल धो कर रखा था वो चावल डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर को बंद करके बस हमें एक ही सीटी लगानी है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से बनने वाला ये जीरा राइस। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, और बहुत ही अच्छा ये जीरा राइस बनता है। अब उसे रख दिया दूसरे चूल्हे पर और इस पर मैं बना रही हूँ दूसरी रेसिपी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च का तड़का डाला, थोड़े से गरम मसाले भी, और उसी में 2 कटा हुआ प्याज डाल दिया। प्याज जब तक भुन रहा है तब तक मैं यहाँ 1 प्याज और 8-10 कली लहसुन इसे पीस लेती हूँ। और प्याज भुन जाने के बाद ये पिसा हुआ प्याज और लहसुन हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। तो इस रेसिपी के लिए मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना ज़रूरी है। तो आँच को धीमा करके हम पहले प्याज को अच्छे से भून लेंगे, और प्याज जब अच्छे से भून जाए तब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर को पीस करके। तो ये जो मैं मसाला बना रही हूँ इसे बहुत ही अच्छे से हम भूनेंगे। और प्याज भुन जाने के बाद पिसा हुआ टमाटर डाला, उसे 2-3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और सभी सूखे मसाले। तो नमक डाल दिया है मैंने स्वाद के अनुसार, साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया, मिर्ची, वही बेसिक मसाले, पर थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से ना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है और सब्जियों का स्वाद जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं लगभग अपनी हर रेसिपी में थोड़ी सी कसूरी मेथी तो डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी मसाले और कसूरी मेथी डाल दिया है और इस मसाले को हम आँच को धीमा करके बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो किसी भी रेसिपी को सही से बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए मसालों को धीमी आंच पर भूनना ज़रूरी है। तो मसाले जब तक भून रहे हैं, यहाँ मैंने लिया है राजमा, इसे 6-7 घंटे भिगो कर उसके बाद कुकर में 4 से 5 सीटी लगा कर थोड़ा सा नमक डालकर और उसे बॉईल कर लिया है। तो मसाले जब भून गए तब डाल दिया इसमें ये बॉईल किया हुआ राजमा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राजमा। वैसे तो मैंने राजमा की और भी बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, पर इस बार थोड़े से अलग तरीके से बनाया है। तो ज़रूर एक बार आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी थी। और पानी डालने के बाद उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, बिल्कुल थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला, ढक कर बस 3-4 मिनट और पकाएंगे और रेडी हो जाएगा हमारा ये सुपर टेस्टी राजमा। तो आज के लंच में है जीरा राइस और राजमा, यानी कि राजमा चावल। तो जब तक राजमा उबल रहे थे मैंने चावल की सीटी निकाल दी है यहाँ थोड़ी सी, और हमारा ये जीरा राइस भी बन करके रेडी है। तो बहुत ही टेस्टी सा ये लंच बन जाता है और बच्चों को इतना पसंद है कि इसे रोज़ ही खा सकते हैं। और आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसे बोल में सर्व कर दिया है और खाने के लिए इसे हम इस तरीके से सर्व करेंगे, ऊपर से बारीक कटा